प्रयागराज का फेमस पेरू मतलब अमरूद। ऐसे सवेरे में भरा जाता सवेरे संजा दुनौन टाइम ठंडी मौसम चलेगा ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग गाइस? तो सुबह सुबह ठंडा हो रखा है और दादी देखिए पानी भर रही है, ये देखिए यहाँ पर। और जो नल है, मोटर जो चलाया हुआ है, उसमें से देखिए धुआं धुआं निकल रहा है, पूरा भाप की तरह देखिए ऊपर साइड में जा रहा है। ठंडा मौसम है ना, इसके वजह से गर्म पानी निकल रहा है तो उसमें से भाप निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं बाहर ओस हो रखा है कि नहीं, फॉग हो रखा है कि नहीं। पर तो गाइस तगड़ी वाली फॉग हो रखी है, कोहरा हो रखा है चारों तरफ। देखिए इधर सरसों भी इस तरफ, इधर भी चारों तरफ फॉगी फॉग हो रखा है। और बूबे से जैसे आप भाप छोड़ते हो ना बाहर, तो ये देखिए बूबे से ऐसे धुआं जैसे निकलता है, जैसे कोई सिगरेट पी के फूंक रहा है उस तरीके का। तो ठंडा हो रखा है गाइस, चलिए फ्रेश होते हैं और नाश्ता विस्ता करते। सुबह सुबह ठंडा हो रखा है, चाय वही पीते भाई। गाइस रेडी होकर हम जा रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद, क्योंकि वहां पर चाची जी को आज दिखाना था। डॉक्टर साहब ने बुलाया था, उन्होंने बोला था कि 10 दिन के बाद आना है, तो 10वें दिन के बाद का आज ही का दिन पड़ा है, मंगलवार का। तो चाचा जी लोग जंघई से निकल चुके हैं, वो आ रहे, मैं भी गाँव से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ बस स्टैंड, बस पकड़ के फिर सीधा प्रयागराज। तो चलिए गाइस जा चुके हैं मेजा रोड चौराहा और यहाँ से बस बैठ के चलते हैं प्रयागराज। यार भाई बालसन चौराहा हॉस्पिटल के पास में, चलिए देखते हैं। चाचा लोग पहले ही पहुँच चुके हैं तो हम भी पहुँचते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या बात हो रही है डॉक्टर साहब से। सो गाइस हम आ जाते हैं कैश काउंटर पर और पेमेंट करके टोकन ले लेते हैं। टोकन लेने के बाद गाइज हम चले जाते हैं अंदर वेटिंग रूम में, वेटिंग करते हैं। ये चाचा चाची है और देखिए मैं भी पीछे साइड में बैठा हुआ हूँ। फिर उसके बाद जाते हैं हम अंदर डॉक्टर साहब से मिलने। 120 रुपया किलो प्रयागराज का फेमस पेरू मतलब अमरूद। दूठे काट दे, हाँ दूठे काट दे। चाची जी को दिखा दिया हॉस्पिटल में और ये देखिए इसी बोलेरो में सभी लोग बैठ गए, जा रहे वापस जंघई। तो मैं गया था इनको पेरू लेके देने के लिए, क्योंकि प्रयागराज का पेरू फेमस है। अच्छा एक किलो बा छोटा तो खाई ले, चलता। अरे हम ले, अरे ना घरे ना जा, बाद में आओ ठीक बा। और हो जात है? चला आया था आराम से, याद है घोड़े गिल्ली। कहाँ गए हैं? ऐसे बिजली विभाग में जॉर्ज टाउन प्रयागराज में भाई से मिलने के लिए, वो यहाँ पे काम करता है, तो उससे मिल लिए हैं। अभी जा रहे हैं बस स्टैंड, बस पकड़ के फिर सीधा जाना है घर। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड, देखते हैं कब तक बस मिलती है भाई। बस पूरा भरा हुआ, खड़ा हुई जगह नहीं सारी। ऐसे सवेरे में भरा जाता सवेरे संजा दोनों टाइम ठंडी मौसम चलेगा ना, खचा खच भरी। फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका और बस में भाई बहुत तगड़ी वाली गर्दी थी तो खड़े होकर ही आना पड़ा। तो घर पे पहुंच चुके हैं गाइस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और जय हिंद गाइस।